हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी छोटी छोटी रेमेडीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक थेरेपी के लिए बारे में बताऊंगी जो बिना एक रुपए खर्च किए हुए आप घर पे ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं आप लोगों को एक थेरेपी के बारे में बताऊंगी। पहले आपको इंट्रो करवाती हूँ कि ये चाइना की थेरेपी है जिसका नाम फेंग फू थेरेपी है। वहाँ की ट्रेडिशनल थेरेपी है जिससे आज भी लोग बहुत सारा इलाज कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं बताऊँगी कि कौन इसको करे, कौन ना करे ये थेरेपी, और कैसे करना है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, मैं सारा कुछ बताऊंगी। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इसके पूरे न्यूरोलॉजिकल फ़ायदे हैं, जैसे कि हमको स्ट्रेस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अच्छी स्लीप नहीं आ रही, और क्रॉनिक फटीग। इसके अलावा आप देखेंगे स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सबको कवर कर रहा है। और हमारे दांत का दर्द, जॉइंट पेन, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ठीक कर रहा है। इसके अलावा अस्थमा और जो सांस की जो भी परेशानियां हैं उनमें बहुत ही आरामदायक है ये। थायराइड वालों को ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और सुस्ती, आजकल सुस्ती आ रही है बहुत, उसमें भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसका प्रभाव। और कुपोषण, ओबेसिटी, कुपोषण मीन्स माल न्यूट्रिशन जिसे कह रहे हैं हम सब, और ओबेसिटी को भी मेंटेन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे कि हमारे स्किन, हमारे हेयर्स जो हैं, ये सारा कुछ रिलेट करता है इंटरनल जो प्रॉब्लम है हमें, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं हमारे बाल। अगर हमको स्ट्रेस है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिक हेयर फॉल होना है। मैं अपने डॉक्टर से अपने हेयर फॉल को लेकर के बहुत परेशान थी, तो उनसे कंसल्ट किया मैंने, तो उन्होंने मुझे सबसे बड़ा कारण बताया स्ट्रेस। सबसे बड़ा कारण हेयर फॉल का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आपको है अगर, तो हेयर फॉल होगा। पर मैं सोचती थी कि ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण शायद बाल झड़ रहे होंगे, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये तो सेकेंडरी है, पर सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, आप जाइए देखिए। डॉक्टर ने ऐसा कहा, आप देखिए कि जो मजदूर होते हैं, जो काम वाली होती हैं, उनके आप बाल जा कर के देखिए। तो कोइंसिडेंटली हमारे बिल्डिंग के सामने ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो मैंने देखा, वाकई मैंने नोटिस किया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके बाल बहुत ही अच्छे हैं। इवन जो ज़्यादा एज की महिलाएं थीं उनके भी हेयर्स काले थे, तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया मेरे डॉक्टर ने। तब फिर मुझे लगा कि खुश रहना कितना ज़रूरी है। तो ये जो थेरेपी है आपको खुश रखेगी, आपके मूड को सही रखेगी। ये जो मूड स्विंग्स होता रहता है ना, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, सारा कुछ, आपको बहुत ही फर्क ज़्यादा दिखने वाला है, तो आप इसको कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि इसको करना कैसे है। ये आपको लेट जाना है, अपने बिस्तर पे लेट जाइए या फिर चटाई लगा के नीचे लेट जाइए। उसके बाद आपको एक बर्फ़ रख लेना है, जैसा कि इस पॉइंट में मैंने दिखाया है आपको, इस पिक्चर में आप देखिए कि कहाँ है पॉइंट आपके। ये जो फिंगफू पॉइंट है, यहाँ पे आपको बर्फ़ रखनी है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत सारे मैंने पढ़े, रिसर्च किया, उसमें तो लिखा है 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट मुझे नहीं लगता नहीं कि पॉसिबल है यहाँ पे कंटिन्यूसली आइस क्यूब रखना। तो एक जो डॉक्टर हैं हमारे इंडियन डॉक्टर, तो उनका इंटरव्यू मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट आप रखिए, 2 मिनट काफ़ी होते हैं, फिर धीरे धीरे अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाते जाइए, अदरवाइज 2 मिनट काफ़ी हैं। और 2 मिनट भी कंटिन्यू अगर नहीं कर पाते हैं, तो सुबह आप खाली पेट 1 मिनट कीजिए, फिर शाम को सोने से पहले आप 1 मिनट कर लीजिए। एक एक मिनट आप बर्फ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको एक कपड़े में लपेट कर, ताकि वो जो आइस क्यूब है स्टेबल रहे,
आप वहाँ पे एक कपड़े के ऊपर रख सकते हैं या कपड़े में लपेट करके रखिए। अब आपको मेन मकसद वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, आप ठंडक पहुँचेगी आपको और वो अपना फिर काम करेगा। तो ऐसे आपको ये थेरेपी लेनी है, बहुत ही सिंपल है ये, और कुछ नहीं करना, नो और कुछ भी नहीं करना। हो गया, आप थेरेपी हो गई। अब मैं बताऊंगी कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये काम ऐसे करता है कि ये जो हेड है हमारा, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे हमारे बॉडी के 80-90% जो हॉर्मोन्स यहीं से रिलीज होते हैं और हमारी सारी बॉडी को मैसेज देते हैं, जाते हैं वहाँ पे और मैसेज देते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको इतना हार्मोन सीक्रेट करना है तो ये बॉडी का जो पार्ट है अच्छे से काम कर सके। एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड के लिए भी हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। तो जब हम यहाँ पे आइस क्यूब रखते हैं तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल जाता है कि नहीं, आपको हार्मोन सीक्रेट करना है अगर ज़रूरत है तो, और अगर ज़्यादा है पहले से तो आपको हार्मोन का सीक्रेशन बंद करना है, ये मैसेज जाता है। इस तरह से हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं, ऐसे काम करता है ये। अब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे जो मूड को कैसे सही रखता है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको एंडोर्फिन हार्मोन कहते हैं। तो ये एंडोर्फिन हार्मोन जो है खुशी का हार्मोन कहलाता है। खुशी का हार्मोन जब सिक्रेट होगा तो ऑटोमेटिक हम तो खुश ही रहेंगे ना, इस तरह से ये अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे जब हम बर्फ़ रखते हैं तो यहाँ मैसेज जाता है कि आपको एंडोर्फिन सिक्रेट करना है। अब ये हमारे ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के पूरे बॉडी तक जाते हैं और ये हमको जो दर्द होता है उसका इलाज करता है। ये आपको चोट लगी हो कहीं भी, आपको एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो यहाँ पे दर्द का अनुभव कम होगा, दर्द का एहसास नहीं होता है। इससे खुशी का हार्मोन है भाई, ऑब्वियसली अपना काम करेगा। इस तरह से ये काम करता है, इसका मैकेनिज्म बताया मैंने आप लोगों को। अब ये हमारे हेयर्स और अपने हमारे बालों को कैसे ठीक रखता है, आपको डाउट हो रहा होगा, तो मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने भी बताया कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है। तो एक कारण ये था, स्ट्रेस अगर कम होगा तो हेयर फॉल कम होगा। सेकंड है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन इतना इम्पॉर्टेंट है हेयर के लिए कि आप कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेट होता रहे तो नए बाल भी आ जाते हैं। जो हेयर फॉलिकल एकदम डेड जैसा ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं उनमें भी जान आ जाती है ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक रखते हैं आप। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो एंटीऑक्सीडेंट इंटरनली हमको मिलते रहेंगे जिससे कि हमारे स्किन यंग और स्पॉट फ्री, मतलब पूरी प्रॉब्लम फ्री स्किन हमको दिखाई देने लगेगी अपनी। मैंने अभी पहले बताया कि जिन डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू देखा उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा था, उन्होंने बताया कि जब ये जो मिलानिन प्रोडक्ट होते हैं हमारे अंदर, तो उनके सेल्स जब डिपॉजिट होते हैं तो हमारे स्किन के नीचे 5-6 लेयर नीचे जमा होने लगते हैं, वो हमको ऊपर दिखाई देने लगता है और हम इलाज करते हैं बाहर से तो कैसे काम करेगा। और वो जो सेल्स जमा हो रहे हैं उनको हटाना है आपको, तो वो ब्लड सर्कुलेशन से ही पॉसिबल है। तो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेंगे इस थेरेपी के थ्रू। तो अब कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कर तो सकते हैं सभी, सिर्फ कौन नहीं कर सकता, प्रेग्नेंट वुमेन, पेसमेकर, मिर्गी वाले, और आप अपने डॉक्टर से और भी कंसल्ट कर लीजिए अच्छे से, अगर वो कहें तो ही आप कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत गंभीर बीमारियां हैं जिनको, वो भी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको करें। बाकी जो स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारी बॉडी में 400 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनको स्टिमुलेट करना कैसे है, उसको इस थेरेपी के थ्रू हम स्टिमुलेट करते हैं।
और हम स्टिमुलेट करेंगे तो हमारे हॉर्मोन्स, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और ये अपना काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये जानकारी।